आपको शायद पहले से पता होगा कि एक इमेज में कलर इन्फॉर्मेशन चैनल से आती है। हर इमेज में तीन चैनल होते हैं, RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल। हर चैनल रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की इंटेंसिटी को शो करता है, जो कि हमारी इमेज के पिक्सल्स में दिखाई देती है। यानी कि ये चैनल हमारी इमेज के प्रत्येक पिक्सल के कलर को निर्धारित करते हैं। लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने इमेज में एक सिलेक्शन करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार इन चैनल्स की सहायता से हम अपने इमेज के किसी खास हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी एक इमेज ओपन कर लेनी है और यहाँ पे फिर चैनल पे क्लिक करेंगे। तो चैनल पैनल में आप देख पाते हैं कि यहाँ पे आपकी इमेज के तीनों चैनल दिखाई दे रहे हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आपको ये चैनल पैनल दिखाई नहीं दे रही है, तो आप विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से चैनल पैनल को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ये चैनल पैनल दिखाई देने लग जाएगी। अब इस इमेज में हम हर चैनल को ऑन ऑफ करके देखेंगे कि कौन सा चैनल हमारी इमेज के सिलेक्शन के लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले हम इन चैनल्स को ऑफ करते हैं और सिर्फ ब्लू चैनल रखते हैं। तो ब्लू चैनल में हम देख पाते हैं कि इस इमेज का कुछ हिस्सा हाई कंट्रास्ट और ब्राइटनेस शो कर रहा है, जबकि कुछ हिस्सा डार्क दिखाई दे रहा है। हमको इस इमेज से इस फ्लावर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हम ग्रीन चैनल में देखते हैं, तो ग्रीन चैनल में भी इमेज का अधिकतर हिस्सा लो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस शो कर रहा है। इसके बाद में हम रेड चैनल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो एरिया हमको सेलेक्ट करना है इस इमेज में, जैसे कि हमें ये फ्लावर सेलेक्ट करना है, तो ये फ्लावर हाई कंट्रास्ट शो कर रहा है और बाकी का जो एरिया है वो लो कंट्रास्ट शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें हर इमेज में अलग अलग चैनल्स पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि हमको जो एरिया सेलेक्ट करना है, या तो वो हाई कंट्रास्ट में होना चाहिए या फिर बिल्कुल लो कंट्रास्ट में होना चाहिए, ताकि हम अपने सिलेक्शन के लिए शुरुआत कर सकें। तो हम इस वक्त अब जो भी चेंजेस करेंगे, तो डायरेक्ट इस चैनल पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारी इमेज का जो कलर है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो हम इस चैनल को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे एक इस चैनल की कॉपी बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे रेड चैनल की कॉपी बन गई है। अब हम इमेज मेन्यू में जाएंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और लेवल्स पे क्लिक करेंगे। लेवल्स पे हम इस इमेज के कंट्रास्ट को बिल्कुल हाई पे सेट कर देंगे और इसकी ब्राइटनेस को भी बिल्कुल हाई पे सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो एरिया सेलेक्ट करना है वो वाइट कलर में हो जाएगा और जो एरिया डीसेलेक्ट रखना है वो ब्लैक कलर में हो जाएगा। इस प्रकार से इस इमेज में सिलेक्शन और डीसेलेक्शन एरिया को बिल्कुल ब्लैक और वाइट सेट करने के बाद में हम ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इमेज को जूम करेंगे और अपने सिलेक्शन को बेटर करने के लिए ब्रश टूल की सहायता से इसको पेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है, एक्स बटन से आप स्विच कर सकते हैं और डी बटन प्रेस करके आप बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं उन्हें सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद हम यहाँ से ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल की सेटिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मोड है ब्लेंड मोड नॉर्मल होना चाहिए और ये जो ब्रश की हार्डनेस है ये बिल्कुल 100% पे होनी चाहिए। इसके बाद में हम इस एरिया को पेंट करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओ और पी बटन के आगे जो लेफ्ट और राइट ब्रैकेट बने हुए हैं, इनकी सहायता से ब्रश की साइज को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर स्विच करेंगे और ब्लैक कलर को ब्लैक से पेंट करेंगे।
इमेज को थोड़ा जूम करते हैं और ब्रश साइज को थोड़ा लो करके यहाँ पे भी हम अपने सिलेक्शन को बेटर करते हैं और कंट्रोल 0 बटन दबाते हैं। इस प्रकार से हमको इस इमेज में जो एरिया सेलेक्ट करना है वो एरिया इस वक्त पूरा वाइट हो गया और जो एरिया डी सेलेक्ट रखना है वो एरिया ब्लैक हो गया। अब हमें यहाँ पे ये जो चैनल पैनल में फर्स्ट आइकन दिखाई दे रहा है लोड चैनल एज सेलेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस एरिया के चारों तरफ एक सेलेक्शन बाउंड्री बन जाती है। अब हम आरजीबी चैनल को ऑन करेंगे और इस चैनल को ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो एरिया चाहिए था उस एरिया के चारों तरफ सेलेक्शन बाउंड्री आ गई है। अब हम लेयर पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे और इस प्रकार से आप अदर लेयर्स को ऑफ करके देख सकते हैं हमारा सेलेक्शन एक अलग लेयर के रूप में तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से आप चैनल पैनल की सहायता से भी सेलेक्शन कर सकते हैं। सेलेक्शन में आपको हर इमेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि रेड, ग्रीन और ब्लू कौन सा चैनल आपको बेटर सेलेक्शन दे सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।